नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी प्रॉब्लम है रिस्टोरिंग थ्री नंबर्स। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि पॉलीकार्प हैज गेस्ट थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी। हाँ, ही कीप्स दीज नंबर्स इन सीक्रेट बट ही राइट्स डाउन फोर नंबर्स ऑन अ बोर्ड इन आर्बिट्रेरी ऑर्डर। देयर पेयर वाइज सम एंड सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि पॉलीकार्प ने तीन नंबर्स ए बी और सी गेस किए और उसको उन नंबर्स को सीक्रेट रखना था, इसलिए उसने बोर्ड पर चार नंबर्स लिख दिए। ठीक है, वो चार नंबर्स क्या थे, उन सबको मतलब पेयर वाइज सम, मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और तीनों का सम जो कि था ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये चार नंबर उसने बोर्ड पर लिख दिए। हमको अब इन चार नंबर को लेकर गेस करना है वो तीन नंबर ए बी और सी कौन से होंगे, और उन नंबर्स को प्रिंट करना है। हो गया, यही था क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इक्वेशन लगेगा, जैसे कि जो ए प्लस बी प्लस सी है उसमें से मैंने जब बी प्लस सी को घटा दूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। वैसे बाकी दो को घटाने से बाकी के दो नंबर्स मिल जाएंगे। तो मुझे जब इनपुट मिलेगा मैं क्या करूंगा, मैं उस इनपुट को एक एरे में स्टोर करूंगा, उस एरे को सॉर्ट कर दूंगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लास्ट में आ जाएगा, उसमें से बाकियों को घटा के मैं आंसर प्रिंट करवा दूंगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, बस इसी लॉजिक को हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका साइज 4 होगा। हाँ, और फॉर इसको इनपुट ले लेता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस। तो मेरे जहाँ चारों एलिमेंट्स है वो मुझे इनपुट में मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा, तो सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस 4। अच्छा, मैं सॉर्ट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे बिट्स लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी, बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच। तो अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, बस अब मुझे आंसर प्रिंट करवाना है, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट में आ गया होगा। तो सी आउट ए थ्री माइनस क्या प्रिंट करवाते, ए टू, फिर स्पेस ए थ्री माइनस ए वन, फिर स्पेस ए थ्री माइनस ए जीरो। ओके, हो गया, यही था, सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। ओके गाइस, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।